नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज मैं उत्तराखंड की इस देवभूमि, ऋषि भूमि, तपोभूमि, कुछ भी कहो, यात्रा भूमि कहो, चार धामों की यात्रा का एक छोटा सा अंश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि तीर्थ कई आदि सालों से ये परंपरा चली आ रही है। इस देवभूमि, जैसा कि नाम है, यहाँ देवताओं के मंदिर, पहाड़, जल सभी कुछ यहाँ पर है। यही वो भूमि है, पावन भूमि है, जहाँ यमुना गंगा का जन्म और भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा चलती आ रही है। आज मैं अपने अनुभव के आधार पर दो बातें कि तीर्थ यानी कि अपने पापों को तारना। तीर्थ का अर्थ ये भी होता है कि जहाँ पवित्र स्थान हो, पवित्र जल बह रहा हो, जहाँ दो नदियों का संगम होता है, वही तीर्थ कहलाता है। तीर्थ चार प्रकार के कहे गए हैं, मानस, जंगम, शरीर और स्थावर। तीर्थ शब्द तारणा थक त्रिज धातु से थक प्रत्यय जोड़कर बना है। संपूर्ण सृष्टि के पिता अग्निपुंज और जल को माता मानकर पूजा जाता रहा है, यही मान्यताएं हैं। इसीलिए तो अग्निपुंज शिवलिंग, अग्निपुंज अर्थात शिवलिंग पर जलाभिषेक, जल का अभिषेक किया जाता रहा है। इसीलिए यह भी माना जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी पहले जल में, यानी कि नार माने नारी थी। सभी वन्य जीव प्राणियों का जन्म नार यानी जल अर्थात माता को ही जन्मदात्री कहा गया है। ये उत्तराखंड की देवभूमि में संचालित होने वाली चार धाम यात्रा में सबसे कठिन जो यात्रा है वो बाबा केदार की मानी गई है और मानी जाती रही है। आज ये देवभूमि यात्रा के मुख्य पहलुओं पर बात करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी यात्रा मंगलमय संपन्न हो सके। माना जाता है कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा वाला ये पंच तत्वों का शरीर पाप और पुण्य के कर्मों से बंधे होने के कारण ही मनुष्य योनि, स्वर्ग, नरक और मोक्ष की सिद्धियों को पार करता रहा है। चार धाम यात्रा का उद्देश्य भगवत भक्ति और शुभ कार्यों में जीवन व्यतीत होता रहे और जन्म जन्मांतर से इसी भाव से मोक्ष की कामना और मुक्ति भी मिला करती है। आप क्या चार धाम की यात्रा पर आ रहे हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो ख्याल रहे कि जब भी घर से निकलें
विशेषकर हमारे वरिष्ठ नागरिक बुजुर्ग लोग अपने स्वास्थ्य के हिसाब से अपने डॉक्टर की सलाह पर कुछ दवाएं जो आपको दैनिक रूप से आप उपयोग करते हैं उनको लाते हुए अपने शरीर की जांच करते हुए आएं, क्योंकि आप 10,000 फीट से ऊपर वाले धामों में आ रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई पर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की कमी हो ही जाती है। दूसरी परेशानी यह है कि यहाँ के मौसम का कोई अंदेशा नहीं हो रहता, विशेषकर दोपहर के बाद ऊंचे पहाड़ों में मौसम ख़राब हो जाता है, उसी के हिसाब से आप गर्म कपड़े बरसाती जो भी आवश्यक अपने शरीर को बचाने के लिए, ठंड से बचने के लिए जो भी साधन आप उपयोग में लाते हैं उसको अवश्य साथ में लाएं। और जब भी आप यात्रा में नीचे ऊंचाई से ऊपर ऊंचाई की तरफ जाएं तो ठहर ठहर कर जाएं, क्योंकि सीधा नीचे से सीधा हाइट पर जाने से आपको तकलीफ ज़्यादा होगी। इसलिए आप मौसम को अपने शरीर के हिसाब से ठहर ठहर कर अगर आप सीधे ऊंचाई पर जाने की कोशिश करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो आप यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्री विशाल के दर्शन तभी स्वस्थ रूप से कर पाएंगे। पहले स्वास्थ्य, फिर शरीर। अब मैं आपको चार धाम की यात्रा पर ले चल रहा हूँ। जब भी आप आएंगे, सबसे पहले आप हरिद्वार आएंगे या ऋषिकेश आएंगे, जो पहाड़ और मैदान का संगम कराता है। उसके बाद जब पुराना समय था तो हरिद्वार ऋषिकेश से सीधे देवप्रयाग जाते थे, जहाँ पवित्र गंगा का जन्म होता है भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर। और वहाँ से पुराने जब हमारे ज़माने में चट्टियाँ थी, पैदल यात्रा होती थी, उसके हिसाब से सबसे पहले यमुनोत्री धाम की ओर बढ़ते थे। और आज यमुनोत्री धाम के लिए आप वाया डाकबत्थर, वाया मसूरी और वाया नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल, इन तीन रास्तों से आप यमुना मैया की यात्रा को जा सकते हैं। यमुनोत्री पहुंचने पर आपको पहले जो आखिरी पड़ाव है वो जानकी चट्टी, जहां खरसाली गांव, जहां यमुना की डोली शीतकाल में रहती है। और वहां पर आप जैसा जानते हैं कि यमुना यमराज की बहन और शनि महाराज की बहन रही हैं, तो शनि महाराज का एक प्रसिद्ध चमत्कारिक वहाँ पर मंदिर है खरसाली गांव में, जो जानकी चट्टी से लगभग 1 किलोमीटर होगा। और वहाँ से 6 किलोमीटर की चढ़ाई आपको यमुनोत्री धाम में पहुँचा देगी। यमुनोत्री में सबसे पहले आपको गर्म कुंड दिखाई देगा, सूर्य कुंड, जहाँ लोग प्रसाद के रूप में आलू चावल सभी कुछ उबालते हैं। और एक छोटा सा खूबसूरत मंदिर यमुना मैया का। वापस लौटते हुए आप उत्तरकाशी की तरफ आएंगे। उत्तरकाशी में भगवान विश्वनाथ का, शिव का मंदिर, जो भागीरथी के किनारे
बसा हुआ है। आगे जाएंगे आप हासिल होते हुए भैरव घाटी और गंगोत्री पहुंच जाएंगे। गंगोत्री से आपका 18 किलोमीटर दूर गौमुख, जहां से गंगा का जन्म हुआ, जो आखिरी पड़ाव गौमुख का है वो है भोजभाषा, जो 14 किलोमीटर गंगोत्री से पैदल मार्ग जाता है। फिर आपको गंगा का दर्शन गंगोत्री में कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो यात्रा होती है वो पश्चिम से पूरब की ओर होती है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्री विशाल, और उसके बाद आप गंगोत्री से सीधा बाया टेहरी होते हुए आप श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से दो रास्ते हैं, एक भगवान बद्री विशाल को जाता है सीधा और एक भगवान केदारनाथ जी को मुड़ जाता है। आगे गुप्त काशी, जहाँ से भगवान गुप्त हुए थे, क्योंकि पांडव सबसे पहले इस देवभूमि में आए थे अपनी ब्रह्म हत्या के पाप से मिटाने के लिए, तो भगवान ने गुप्त काशी में दर्शन न देकर सीधे केदार में उनको दर्शन दिए थे, और कहते हैं कि केदार से ही वो महापथ की ओर स्वर्गारोहण को चले गए थे पांचों भाई। बद्रीनाथ से भी कहते हैं कि वहाँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, स्वर्गारोहण बद्रीनाथ से किया था। कुछ लोग कहते हैं कि हर की धुन जो रुपिन सुपिन दो नदियों का मिलन स्थल भी है, जो टोन्स बनाती है, वहाँ भी पांडव की वो तो भूमि रही है, वहाँ दुर्योधन जी को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो भगवान केदारनाथ जाते वक्त गुप्त काशी, उसके बाद गौरीकुंड, जहाँ माँ भगवती गौरा बैठी होती है 6 महीने, और उसके बाद वहाँ से जो वर्तमान रास्ता है वो 18 किलोमीटर का सीधे केदार को जाता है। रास्ते में आपको भैरव मिलेंगे, उसके बाद आपको भीम शिला मिलेगी। भीम शिला के बाद जो पुराना रास्ता रामबाड़ा, जो कि 2013 जून के माह की आपदा में नष्ट हो गया था, केवल वहाँ पर पत्थर ही पत्थर, उसकी दूसरी पहाड़ी पर से होते हुए नया मार्ग बना है, और सीधा भीमबली से लिंचोली पहुँचेंगे, और लिंचोली से थोड़ी 4 किलोमीटर की दूरी पर भगवान केदारनाथ जी बैठे हुए हैं। केदारनाथ के दर्शनों के बाद ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन होते हैं, ऐसा कहा जाता है, और यही इस चार धाम यात्रा का महत्वपूर्ण परंपरा है, क्योंकि कहते हैं कि पहले अगर बद्रीनाथ जी का दर्शन करना है तो पहले केदार जी का दर्शन करके ही जाना है, क्योंकि बद्रीनाथ कभी भगवान भोलेनाथ की भूमि रही है। तो उसके बाद आप केदारनाथ से सीधा उसी रास्ते वापस, आप कुंड से ऊखीमठ, जहां भगवान भोले मन्नाथ की 6 महीने शीतकालीन पूजा होती है, वहां से होते हुए गोपेश्वर चमोली होते हुए आप दूसरे रूट के साथ आप भगवान बद्रीनाथ को पहुंच सकते हैं, और एक रास्ता रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग होते हुए चमोली आप पहुंच सकते हैं, और चमोली से आगे पीपल कोटी से आगे आपका विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग से हनुमान चट्टी, और हनुमान चट्टी से आप भगवान बद्री विशाल को पहुंच सकते हैं। ये ख्याल रहे कि मौसम के हिसाब से आप अपनी यात्रा सफल करें। भगवान बद्रीनाथ मुक्ति का धाम, जिसके लिए, क्योंकि वो सतयुग का धाम भी है,
आठवां बैकुंठ भी है, इसलिए नर नारायण रूप में भगवान विष्णु ने वहां पर कठोर तप किया था और उसी फलस्वरूप भगवान शिव ने उनको वहां रहने का वरदान भी दिया था। उससे आगे माणा गांव, जहां पर कहते हैं कि वेदों की रचना हुई, वेद व्यास जी बोलते रहे गणेश जी लिखते रहे, तो हमारे वेद पुराणों की भूमि माणा, और उससे आगे है वसुधारा, जहाँ एक बहुत बड़ा फॉल, और आगे सतोपंत, जहाँ से ये आपकी अलकनंदा का जन्म होता है और सरस्वती के साथ मिलन होता है केशव प्रयाग माणा गांव के पास। वहीं पर भगवान बद्री विशाल के माता मूर्ति जी का मंदिर भी है, बद्रीनाथ जी के धाम से 1.5-2 किलोमीटर करीब वहाँ पर है। द्वादशी को वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है और भगवान बद्री विशाल अपनी माँ को मिलने जाते हैं। आज इतना ही, अगले पड़ाव में मैं आपको और दर्शन और बातें बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।